हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। एसएससी सीएचएसएल जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी समस्याएं थी। वैकेंसी कम थी, 1600 वैकेंसी, लेकिन पता है फॉर्म कितने भरे गए? 32,17,442, 32,17,442 ये फॉर्म भरे गए। अब 1600 के हिसाब से लगा लीजिए कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। खोल लिया कैलकुलेटर, करने लग गए हिसाब किताब। अरे रुको भाई, एक वैकेंसी आती तब भी आपको अपना बेस्ट देना होता, दो वैकेंसी होती तब भी आपको अपना बेस्ट देना होता, तीन वैकेंसी हो तब भी आपको अपना बेस्ट देना होगा, चार वैकेंसी हो तब भी आपको अपना बेस्ट देना होगा, 4 लाख वैकेंसी हो तब भी आपको अपना बेस्ट देना होगा, 5,000 वैकेंसी हो तब भी आपको अपना बेस्ट देना होगा। अच्छा कंटेंट, अच्छी किताबें, सही तरीके से टाइम टेबल का यूज करना, सही तरीके से रिवीजन करना, इसी से आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। वो चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, आप अगर दूसरों से आगे निकल, भाई अगर 5 वैकेंसी है तब भी तो आपकी कॉम्पिटिशन है, 10 वैकेंसी है तब भी तो आपकी कंपटीशन है, उन 10 से आपको आगे निकलना है तो उनके अकॉर्डिंग उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटे पढ़ना होगा। वैकेंसी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो सेफ स्कोर की चिंता छोड़ो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आप सेफ स्कोर को समझ लोगे, जान लोगे या अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आप ऐसे समझ लो कि आप बंधन में है, फिर उससे ज्यादा करने का आपका मन ही नहीं करेगा, फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए पढ़ो, मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो। थैंक यू, जय हिंद।